भावें असी नहीं अगे जाना, असी पैसे दे के हराम दे पैसे ने साडे, मैं दसो ना हराम दे पैसे ने, मैं आधार देने इतने बैठा वा। फिर रमजान के महीने च पीपे नहीं बजाते ताड़ी वजह तो मेरा रोजा अज जड़ा ना छुट गया। ये लाश निकल आई अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शारिक शाह और मैं उसामा खान। तो हाजिर हैं मेरे साथ, और आज की वीडियो में मैंने लेने हैं उसामा से कुछ पैसे जो मैंने इसे उधार दिए थे। और मैं किसी को भी रोकूंगा यार, ये मेरे भाई जैसे हैं, बड़े भाई हैं, इनसे बात कर ले यार, आप देख लें क्या करना है। और फिर निकल जाऊंगा, और फिर जब मैं उनसे बात करूंगा और ये निकल जाएगा पीछे से, उसके बाद जो उनके रिएक्शन आएंगे वो आपको दिखाएंगे। चलते हैं मेरी तरफ, देखते रहे कैम्प ऑन। भाई खलो थे यार, उन कितने चल, नहीं मैं कहीं नहीं जाना भैया, भैया आ गए, मैं कहीं नहीं जा रहा यार, इससे बात करने आऊँगा। ये भैया आ गए, टेंशन ही लेनी हम आपने, आपकी है क्या बात है, बात कर लें आप प्लीज़ यार, मैं जा रहा हूँ, आप बात करें ठीक है, मैं काम पर लेट हो रहा हूँ। नहीं नहीं आप बात कर लें प्लीज़, आप जल्दी से, साड़ी मेहरबानी। कितने इतनी फैक्ट्री जॉब करते हैं? बैंक स्टाफ है। बैंक स्टाफ की? बैंक स्टाफ है, बैंक स्टाफ, बैंक स्टाफ, बैंक स्टाफ। अच्छा यार, 10,000 रुपया लिता इन्हें मेरे को पिछली तकरीबन कोई 4 महीने पहले, ठीक है, तो 10,000 रुपया लैके 6 महीने हो गए, 6 महीने तो जलील कर रहे हैं। अज कहना मेरा दोस्त आ रहा है, मैंने तुहाड़े नाल बुलाया, ठीक है, 2,000 रुपया दे दौ, चाहिए ने अर्जेंट चाहिए ने, मैं फैसलाबाद जाना काम ना। एक मिनट कैंज दे ना करो ठीक है, कोई बात, मैं समझ गया सर, मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार, लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाता है, कोई बात नहीं, कोई बात, कोई बात भाई आ गए, कोई बात भाई, आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, आप हाफिज हैं यार? वो मैंने एक आपसे बात भी करनी थी, बच्चे हैं छोटे छोटे ना, 4-4 साल के हैं, 5-5 साल के, तो आप होम ट्यूशन दे देंगे? नंबर लिख लें आप, और उसके अलावा वो 2,000 रुपया दे दें, वो भाई ने कहा था इनसे ले लेना आप, मेरे दोस्त हैं फैक्ट्री में जॉब करते हैं। मेरे पास पैसे बैग नहीं है, एक बैग नहीं है मेरे पास। तो भाई जान वो उन्होंने कहा कि इनसे बात कर लो, ले लो इनसे, मेरे पास पैसे नहीं है ना यार, 4 दिन हो गए हैं यार, मैं खुद जलील हो गया हूँ यार, पिछले 2 महीनों से 10,000 रुपये लिया इस बंदे ने, दे नहीं रहा, चले 2,000 रुपये दे दें, 8,000 रुपये मैं माफ कर दूंगा। नहीं है ना पैसे, मैं होता तो दे देता, मैं अब मेरे काम करने वाला बंदा हूँ। कदर नहीं था, कौन ये जो, हाँ टेंशन दोस्त नहीं, आपकी ये हेल्प करेगा ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है। बोलोगे ये बात करेंगे? मैं जा जी जी, बोलो बोलो, ये करेगा? आप क्यों जा रहे हैं, आप भी रुक रहे हैं, दिल नहीं लगता आपको पता, ठीक है। हाँ जी भाई, बोलो बोलो बोलो, है ना, है ना, तुम फैक्ट्री काम करते हो? हाँ जी। कैसी फैक्ट्री? पैक्स, पैक्स दे बेच। कल एक ऐसे बंदे ने लिता मेरे को 10,000 रुपया 6 महीने पहले अदारा, पिछलियाँ सर्दियाँ, यू नो लाइक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉक विद यू, आगे बोले 2,000 रुपया दे दियो, ठीक है, बाकी 8 मैं माफ़ कर दिया यार, प्लीज यार थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़, मेरा गलत बात है यार, नहीं मैं आपकी जो मैं बात पे उतरा हूँ, देखें ऐसे नहीं यार निकला, मैं मुकरा नहीं हूँ, एक हफ्ते बाद बात पे उतरे हैं आप, भाई आ गए हैं ना, देखें इनसे आप बात करें, होना गया यार, अजीब इंसान है, चवल सा बंदा है यार ये, आप ऐसे बंदों को दोस्त बनाते हैं, दे दें आप 2,000 रुपया दे दें, कोई बात नहीं, बाकी मैं बाद में कर दूँ, 2,000 रुपया दे दें बस, यही है आप, हैं मेरा कौन सा दोस्त, वो कह रहा मेरा दोस्त छुट्टी हुई है फैक्ट्री से निकला, उससे पैसे पकड़ लेना। देखें तो भाई, देखें अब मैं, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, ठीक है, मैं कहने का मकसद है जो आपसे वादा किया था वो आपका वादा आज पूरा हो जाएगा। ये भाई आ गए, ठीक है, इनसे आप बात कर लो, ठीक ठाक हैं आप भाई? प्लीज़ यार तबीयतें कैसी, बात कर लें आप बड़े हैं मेरे से, प्लीज़ इन्हें समझा दें, क्या हुआ, बात कर लें यार आपस में, आप देख लें प्लीज़, ठीक है कोई बात नहीं।
मैं भजन कसम से मैं खुद शर्मिंदा हो रहा हूँ, आपकी मेहरबानी है, आप दे दें पैसे। अस्सलाम वालेकुम भजन, क्या ठीक है यार? ये बड़े भाई समझे इस तरह से मेरे, आप मेरे बड़े भाई हो जैसे, आप इनसे बात कर लें। ठीक हो, ठीक है, बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम, आप समझा दीजिए अच्छे से। कितना भाई ये फैक्ट्री में आप जॉब करते हैं? कितना अर्सा हो गया? 3 बार। यार मैं भी रोज़गार की तलाश में, मुझे भी लगवा। हाँ ठीक है, ठीक है, बाकी काम हो जाएगा ना मेरा। ठीक है भाई, ये भाई है, बड़े भाई जैसे मेरे। जैसे हैं भाई, ठीक ठाक हैं भाई? इससे बात कर लें एक मिनट प्लीज़, इससे बात कर लें यार। हाँ बंद कर दे, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। पानी तो जल्दी बस, एक मिनट गल सुन लो, एक मिनट इनकी गल सुन लो प्लीज़, प्लीज़ इनकी गल सुन लो। मेहरबानी है भाई, बड़ी मेहरबानी है सच्चा। 6 महीने हो गए जलील हो रहे हैं इस बंदे के पिछे, खुदा जानता है कि यार तेरी मेहरबानी, जिन्होंने तू पैसे दिते ने उन्हें ही मत्थे लवा दे। 10,000 रुपया लिया, 10,000 रुपया, मैं कहा चल 2,000 रुपया दे दे, मैं जाना उ कजनों मिलन, ताकि मेहरबानी, मेरी कजन की मंगनी है, 2,000 रुपया दे दौ, आन जान का किराया मैं ला लाँगा। वो बंदे ने कहा मेरा दोस्त आ रहा वो ले लवो, नहीं दे दोगे तो मेहरबानी है ताकि। छे महीने कसम यकीन करो, 1-1 रुपये तो तंग हो जा, 10,000 रुपया देता वो, वेखो गैब होंड बुलान डे यार, ताड़ी मेहरबानी लै दो पैसे, देखो ताड़ी मेहरबानी, 2,000 रुपया दो, हूँ उन्हें ताडे मत्थे लवाया, फिर उन्हें कहना तू उन्हें रोके आ नहीं, तू पैसे तेन नहीं देने, मेहरबानी नहीं है यार। ये तो गलत बात है यार, अब देखो मैंने जुबान की थी उसके साथ कि यार ठीक है यार तुम्हारे पास जब होंगे मुझे दे देना, 6 महीने भाई, 6 वो कह के गया आपसे बात कर लो भाई जान। हेलो यार 1 मिनट रुक जाओ यार, कुछ आना टका तो है नहीं कि मैं चलो चंद छड़ दें यार, मैं आगे भी जाना है। ओ यार तुसी भावे असी नहीं अगे जाना, असी पैसे दे के, हराम दे पैसे ने साडे, मैनू दसो ना हराम दे पैसे ने, मैं आधार देना से बैठा वहां यार भैया, आप उनसे बात करें ना यार। मैं क्या बात यार, वो कह रहे है ही नहीं मेरे पास, अजीब बात है यार। आपसे जो बात हुई थी ना, मैंने वादा अपना पूरा करना। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल भाई? आगे वादा मैं पूरा किया हूँ आपको, देखिए मैं मुकरा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ लेकिन इसके लिए माजरा चाहता हूँ, कोई बात नहीं भाई। आगे आपकी बातों पे यकीन है भाई, अब आप इसे प्लीज बात कर लें, समझा दें मुझे, आप बात कर लें, ये आपकी बात सुनेंगे पूरी, प्लीज बात सुनें, गड्डी बच जाएगी, जानते हैं भाई को आप? ठीक है भाई, ठीक है, ओके लो, जानते हैं इसको हैं? आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी? UCB से? मुझे जानते हैं, जानते होंगे, ये बात ना करें, वो उसके साथ ही देखा होगा, दोस्त है मेरा, बेस्ट फ्रेंड है, मगर इसने 10,000 रुपया लिया हुआ, उसने कहा मेरा दोस्त आ रहा है यूनिवर्सिटी से, ठीक है आपकी मेहरबानी, 2,000 रुपया दे दें अभी चाहिए, भाई भाई जान ऐसे ना करें, आपकी मेहरबानी है। ओ भाई इधर आओ, एक मिनट भाई, ओ भाई यार तो दे ना नहीं है फिर कि दो प्रैंक ना रहे हो आप? नहीं यार प्रैंक की मैं तन्नू की मैं पता बस ओ कैरी तो बहुत ही मन लगता है। ओ भाई मेरा तो तल्ला की नहीं, ओ स्पीड चेकिंग वाले कैमरे ने सानू की पता होंदे ना, बाकी मैंने पता लग गया कि 2,000 नहीं देना, मतलब है ही नहीं, कहता है ही नहीं मेरे को, पैसे नहीं है भाई, मैं समझ गया, थैंक यू, मैं समझ गया, थैंक यू, वेलकम, शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। पहले बताओ किधर कैमरा, किधर कैमरा? साडा नहीं गा, पता नहीं कितने तू नहीं कॉम्प्रोमाइज करो भाई, कॉम्प्रोमाइज भाई मेरी बात तो सुन, इधर खड़े हो यार, यार 2,000 रुपया दें आप कह रहे हैं मैं कर लेता हूँ बात
ओ भाई इधर आओ यार, हैं हाँ इधर आओ भाई जान, भाई इधर आओ आप भी यार, वो कह रहा है मैं जानता भी नहीं हूँ। मुझे डाउटफुल ही था जब भाई मुड़े ना, मुझे डाउट मैं क्या वही देख रहा था, मुझे पता पहले पता चले, मैं इसलिए मैंने कहा वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, वो बंदा कह रहा है कि यार 2,000 रुपया दे देता हूँ, बाकी मैं 8,000 बाद में दे दूंगा। कोई बात नहीं, 2,000 ही दे दें, 8,000 में माफ़ी कर दूंगा, मेरे पे भी मजबूरी बनी है। किस पैसे किसके लेने हैं? किस किस्म के पैसे? पैसे 2,000 रुपया लेना है ना आपसे। उन्हें क्या है गेदे को ले लेना मेरा दोस्त, एक मिनट उन्हें आओ, गलत सुनो पहले इधर से आओ भाई यार, वो कह रहा मैं जानता ही नहीं हूँ भाई जान, अजीब यार। अच्छा मजाक कर रहे हैं, आपकी मेहरबानी है भाई, 10,000 रुपया लिया भाई ने, 2,000 रुपया मुझे चाहिए, आपकी मेहरबानी दे दे। उन्होंने कहा मेरा दोस्त आ रहा है फैक्ट्री से, मैं दे देता हूँ उसे, अब दे दें हैं खुद यहाँ पे ना परदेसी यार, मेरी भी बात सुने, मैं भी परदेसी हूँ, मैं भी फैसलाबाद से, भाई जान ऐसे तो ना करें भाई, हाँ छोड़ देना भाई, पैसे तो देना फिर 2,000 रुपये। ओ भाई जान हेलो, ओ भाई यार भाग रहे हैं यार ये, ठीक है मैनू हूँ 2,000 रुपये अर्जेंट चाहिए, मैं जाना है ब्याह, कजन का ब्याह है, वीर जी हूँ ताकि मेहरबानी, उस बंद ने ते मूँह कराया, वो कहन डे को ले लो 10,000 मैं दिता, कहता मेरा दोस्त आ रहा को ले लो, ताकि मेहरबानी है, इंज ना करो मेरे बीवी बच्चे मैं ब्याह से जान तो बैठा, यकीन करो भाई यार, वो कहते मैं जानता ही नहीं, एक मिनट वो मूँह तो कर दौ कर भाई, वो कहना मैं जानता ही नहीं, अच्छा एक मिनट मजाक कर, तू तो एवं फिर मेरे नाराजी हो गए मिले जिमें अं कदन आपस, पता नहीं पता मैं होर गल कर लगे, चलो दे दौ 2,000 रुपया ना करो हूँ, तुम भी वर्गी फिल्मा चला डे हो मेरे, इंज ना करो, 2,000 रुपया तो दे के जाओ, मैं जाना है 6 बजे में निकलना, टिकट है मेरी, ताड़ी मेहरबानी दे दो 2,000 रुपये, मैं जानता नहीं करना है, दे 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 अजलील करन दे दो में जिन्हें क्या कुछ शर्म हया ली गल नहीं, जैनमन गैरत नाम दी शायी, मैं जानता नहीं है, 2,000 ते दे यार है बहुत सा वेह लै, फिर मेरिया भी बदवावा ही, एक एक रुपये तरसो, अच्छा उन्हें हम दाख करें, अच्छा कैमरा लगे हम दाख, इधर से आओ बॉस, बहुत गुस्सा, अजीब बात है कसम से यार, मैं तो परेशान हो गया यार, आपने अजीब यार मेरे साथ हरकत की है यार, 10 महीने हो गए पैसे नहीं दे रहे यार, वो दे देगा ना यार, 10 महीने में एक एक रुपया भी करके देते मेरा 10,000 उतर जाना था, नहीं यार आप कोई चीज रखवा जाओ, आपकी मेहरबानी, आपको चीज रखवा रखवा दे, ऐनक भी रखवा जो यार, मेरे पास नहीं है, मैं आपको पैसे यार, ये क्या बात यार, नहीं है मेरे पास पैसे, मैं किधर से आपको पैसे दे, मैं फिर पुलिस बुलान लगा ही भाई यार, भाई एक मिनट एक, अच्छा अच्छा इधर आओ, ओ मजाक कर रहे हैं भाई भाई भाई, वो कैमरा लगा है, आप जहाँ मर्जी जाएं मुझे कोई मसला नहीं, आप 1,000 रुपये देने मेरे भाई, मुझे दिए होंगे तो मैं, ओ भाई आपको ही दिए और किसको दिए, ओके क्यों हो रहे हो, ਤੁਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੀਪੇ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। वेलकम बैक व्यूवर्स, हम लोग हाजिर हैं न्यू वीडियो के साथ, तो इस वीडियो में हम लोगों को रोकेंगे और उनसे कहेंगे यार तेरा पीपा कितने कितने तू रह गया भाई, सुबह उठा नहीं आया, मेरा रोजा छूट गया तेरी वजह से, तेरी वजह से छूट गया, तो बहुत मजा आने वाला वीडियो को लास्ट तक देखेगा, चलते हैं मिनट की तरफ, देखते रहे कैम ऑन, भजन बात सुने, बात सुनो, इधर आओ, वापिस मोड़ लो, मोड़ लो मोड़ लो यार, छोटी सी बात है भजन, शर्म आती है, रुक जाओ, शर्म आती है, पैसे लेते हो ना, लेते हो ना पैसे, लेके गए हो परसों तू, मैं हाँ जी, आप एमी बाइक बंद करो, पैसे लिए ना
याद नहीं क्या मतलब? मुझे बता दे मुझे, मैं लेके नहीं गया कसम से, मैं आए घर से नहीं निकल। ऊँची बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही। लेके गए कि नहीं? यार मुझे नहीं याद, मैं नहीं लेके गया। यार तुम पैसे लेके चले गए परसों, टाइम से तुम आ नहीं रहे। सुबह मैं इफ्तार, मेरी सहरी मिस हो गई है तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ तो तुम्हारी वजह से हुई है, और किसकी वजह से हुई है? मैं सोया पड़ा, मुझे कोई उठाने ही नहीं आया। पैसे परसों तुम लेके गए हो कि पैसे दे दे, मैं डेली आके उठाऊंगा आपको, पीपे बजा के, ढोल बजा के। क्या हाल है भाई, ठीक ठाक? कितने लगे फिर दे? यार रात में आया क्यों नहीं तू सारी जगह? की टेंशन, कोई मसला नहीं? पीपा शीपा कितने तेरा है? पीपा बजा के उठाना है ना तू गलियां महल कितने पीपा? मैं तो तेन वेख्या ही है। मैं तो तेन वेख्या ही, मैनू वेख्या सी ते मैं तो हमेशा बचपन तो वेखदा आ रहा। तेरी वजह तो राती असि रोता नहीं रख सके। यार गल है तेरी वजह मैं रोजा मेरा छुट गया, मैं मसला है वे की एंड होंगे ही तुम पैसे लैन आए तो सर अपना काम नहीं करना होंगे दंद कटी जा रहा। मैं लतीफे सुना रहा, लतीफा सुनाया मैं तेन क्या लतीफा सुना? नहीं तो तू दंद कट कट मैनू नहीं जानता, मैं तो तेन जानना ना, पीपा बजा आना सा गली पी ब्लॉक च मेरा घर है। कोई गल हुई, कोई नाराजगी है साडे नाल दस दो। बाइक ते बंद करो, एक मिनट शोर आ रहा है। कोई नाराजगी है साडे नाल? नहीं इंज थोड़ी होंगे ना, कम करो यार। ऐ तो कोई गल नहीं, ताड़ी वजह तो तुम्हें पता की नुकसान होया मेरा, मेरा रोजा छुट गया ताड़ी वजह तो। तुम्हें मैं परसों दिते पैसे, तुम क्या मैं आवागा डेली, आवागा डेली आके उठावगा, तो हूँ तुम आए भी नहीं तो मेरा रोजा। तुम क्या मैं दमाल बजादा आऊँगा पूरी गली उठावगा तो भाई ने ना हुई ना। ए फिर जबान तुम जबान करके मुकर गए ना, रमजान दे महीने च पीपे नहीं बजांदे? ताड़ी वजह तो मेरा रोजा अज जड़ा ना छुट गया। नहीं तंग करो सर, मेरी गल सुनो, या तो फिर तुम रमजान खत्म होंगे साढ़े को ईदियां ना लैन आया करो, या फिर टाइम ना ला के पीपा बजाया करो गली, ताकि बंदा उठे तो सही टाइम ना। ठीक हो गया, हरकत ही नहीं भैन ताड़ियाँ सही। हूँ मैं की कह, मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता, ताड़ी वजह मेरा रोजा जरा ना कदा हो गया। ठीक हो गया भैन, सॉरी भैन। सॉरी वाली है कि जो तो ही माने नहीं जे रह के मैं नहीं तू तानू हुन मेरी गल फिर मुकरदे पे हो ना भैन। सॉरी ए नहीं फिर मुकरदे क्यों पए हो? मैं मुकर ही नहीं रहा। मुकरदे पे हो अपनी गल तो? यार ना मुकरदे पे हो भैन अपनी गल तो, और की करदे पे? मेरी गल सुनो एक मिनट, एक मिनट इनू बंद करो। अगर अज आना है तो दसो मैं, नहीं आना तो असी पीपे वाला कोई और चेंज कर लिए गली दे विच, कोई और लवा दे। आप ऐसा करें मेरे 1000 रुपये दें, आप जहाँ मर्जी जाएं मेरी तरफ से, आप जहाँ मर्जी जाएं मुझे कोई मसला नहीं, आप 1000 रुपये दे दें मेरे। भाई मुझे दिए होंगे तो मैं ओ भाई आपको ही दिए, और किसको दिए? ओके क्यों हो रहे हो? बताओ कब दिए? आपको आप घर से लेके गए हो मेरे, कब दिए? क्या घर पे घर दिखाओ ना, मैं आपके घर चलता हूँ। चलो और नहीं मैं इतना वेला खड़ा हूँ, घर चलता हूँ, इधर रुको। ओ भाई जान रुको, ऐसे नहीं होगा। घर दिखाओ ना, मुझे पता चले कौन सा घर है आपका। आपने पैसे लिए ठीक है, और आप मान रहे हो इस बात को? मैंने कब लिए मुझे बताओ यार। देखो मैं दूसरे तरीके से फिर निकलवाऊं पैसे। क्या दूसरे तरीके से? मुझे दिए होंगे तब निकलवाएंगे ना। मेरे पास दो तरीके हैं, एक है प्यार और दूसरा है मार मार मार। तो अब आप बता दो आपको कौन सा चाहिए, कौन से तरीके से निकालोगे पैसे? पहली बात तो मैं लेके नहीं गया। यार तुम लोग ढोल नहीं बजाते, तुम्हारा पूरा खानदान ढोल बजा के उठाता नहीं है? ओ भाई कब उठाता है, क्या हो गया? शहरी में तुम लोग आते नहीं हो? एक तुम्हारे चाचा पीपा बजाता था, इकबाल शहरी वाला, इकबाल शहरी वाला। मैं जानता हूं पता नहीं कौन है इकबाल शहरी। नहीं मेरी गल सुन, मेरी गल मैं वही पीपे वाला ही है। तू भाई तू भावे तू ते मास्क पा ते भावे कंटोनिक पा के लगा, फिर एक गल सुन यार, गल सुन फिर जो मर्जी करना। मैं बहुत तेनू पहली बार देखा। अच्छा
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਤ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾ ਤੂੰ ਪੀਪਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ ਪੀਪਾ ਕੋਠੀ ਪਾ ਵਜਾਉਣਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆਈ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਲਿਆ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਾ ਭਾਈ ਭਾਈ ਕੀ ਜੇ ਨਾ ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਲੜਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲੜਨਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਭਾਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਆਏ ਕੰਮ ਕਾਹ ਲੜਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਆ ਤਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਆਇਆ ਤਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਸੈਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਮਾਰਾ ਗਲੀ ਮੈਂ ਆਤਾ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਉਠਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਸੁਬਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਾਓ ਯਾਰ ਸਲਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਠਾਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਭਾਈ ਨੇ ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੋ ਆ ਬਾਈਕ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਾਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਯਾਰ ਲੇਟ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਇਆ ਮਗਰ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਮੇਰਾ ਰੋਦਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਣ ਕੀ ਕਰ ਕੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗਲਾਸ ਤੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਗਲਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਗਲਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾ ਤੋੜ ਦੇਈ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪੀਪਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੁਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੀਪਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਵਜਾਉਣਾ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਪੀਪਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਦੂੰਗਾ ਆਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਮੈਂ ਗੇਅਰ ਕੇ ਚਪੇੜ ਵੀ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਐਸੇ ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗਾ ਯਾਰ ਮੁਝੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕੌਣ ਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਲੱਗ ਪਲੁੱਗ ਉਤਾਰ ਲੂੰਗਾ ਬਾਈਕ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿਸ ਕੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਲ ਅੱਬੂ ਕੋ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੂੰਗਾ ਅੱਬੂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਕਰਾਓ ਤੁਮ ਜੋ ਹਰਕਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਮੇ ਮੈਂ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਰਾ ਹੱਥ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਤੁਹਾਰੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਅੱਛਾ ਬਸ ਬਸ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੋ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਰੁਕ ਜਾ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਹ ਗਾੜੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਾੜੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਅਸ਼ਰਫ ਪੀਪੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸ਼ਰਫ ਪੀਪੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਪੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਨਜ਼ੀਰ ਪੀਪੇ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਛੱਡ ਦੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਲਏ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਆ ਕੇ ਉਠਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਹੈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਸੀ ਕਦੇ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਬਾ ਸੁਬਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਕਰੋ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਇਹ ਤੇ 1122 ਹੋ ਗਿਆ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ 1115 ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖੋ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੱਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਓਏ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪੀਪਾ ਵਜਾਉਣ ਆਏ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਤਰੋਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਾਣੇ ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਹੀ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਰੋਦਾ ਛੁੱਟਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਹੈਵੀ ਚਤਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੀਪੇ ਵਾਲਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲਿਆ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਹੀ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੀਪਾ ਚੀਪਾ ਖੋ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਅੱਛਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਅੱਧੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਭੈਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਉਹ ਬਾਈ ਕਿਤੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਮਾਮੂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਆ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਭੈਣ ਸਹੁਰੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ये लाश निकल आई अंदर। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम लोग आज नए न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं अपने मामू के घर, जो हमसे नाराज हैं, 50 साल से नाराज हैं। हम उनके घर अफ्तारी करने जा रहे हैं और ये खाली डब्बा भी लेके जा रहे हैं जिसमें हम अपनी अम्मी का हिस्सा, अम्मी का भी हम लोग हिस्सा लेके आएंगे। तो बहुत मजे की वीडियो बनने जा रही है, चलते हैं मेरी तरफ, देखते रहे कैम ऑन। भाई देखो मामू के घर आए हैं 50 साल बाद। मामू जिंदा भी हो या ना हो हमें क्या पता, बच्चे तो, मगर हम उनके बच्चों से हम अपने बच्चों की तरह प्यार करेंगे। टेंशन वाली बात, मामू जमी तारिक मामू, शीशा भी लगाया सामने माशाल्लाह। माशाल्लाह मामू की बेटी आ गई। कजन कजन और कजन कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप मैं कजन कैसे हो सकता? आप अभी जानती नहीं मुझे, फिर इसका मतलब जी जी मैं शारिक हूँ, ये उसामा है। आपके मामू की, आपके फूफो के बेटे, आपकी सगी पुप्पो के बेटे, वो बड़ी पुप्पो तहमीना के बेटे। मेरी किसी पुप्पो का नाम तहमीना नहीं, नहीं बुशरा कहते हैं प्यार से उन्हें। नहीं बुशरा भी नहीं है। क्या नाम क्या आपकी पुप्पो का वैसे? आपको जानती नहीं है? आप अभी मुझे जानती नहीं है। अच्छा आप तारिक मामू को बाहर भेज दे, जल्दी से भेज दे। तारिक नामी शख्स है। मामू मर गए, मामू मर गए, मामू मर गए क्या? ये आपने तो फोन भी नहीं किया यार, मामू कहाँ मर गए यार, चल चल के थक गए हम लोग तो। मामू रेगिस्तान में रह रहे हैं। मामू मामू राजस्थान में कब शिफ्ट हुए? ये वाले घर ना चले, ये वाला। अम्मी ने कहा था मामू अमीर हो गए। अच्छा मामू अमीर भी हो गए तो क्यों लगी गाड़ी? गिर गई है। अच्छा चलो बेटा, इतने प्यार से बजा रहे हो ना ना ऐसे छोटे ना। मामू जान अस्सलाम वालेकुम, मामू जी कैसे हैं? तनवीर मामू माशाल्लाह, जैक एंड पॉल लग रहे हैं माशाल्लाह, जैकी चैन। और मामू कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, प्यार तो दे दें, प्यार दे दें। मेरी उम्र देखो प्यार लेना आ गई। मम्मी को मजाक करने की आदत नहीं है, ये पागल खाने से दौरे तो पैर पागल बन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मामू? अच्छा जी, किस तरह जी, कौन जी? जी मैं सर, मैं बड़ा तनवीर ते है बशीर सर, दोवें भरा सी। तनु आप सही तरह दा नाम नहीं आंदा सर, वो बशीर है, मैं तनवीर हां। अच्छा जी, कभी कभी वो तनवीर बन जांदा, मैं बशीर बन जांदा, मगर मैं तनवीर हां, वो बशीर है। अच्छा जी, क्योंकि असि दोवें बशीर ते तनवीर हां, ते मैं तनवीर हां ते बशीर। यार खालू का घर कहां रह गया? खालू, खालू जी, खालू का घर ये? यार खालू तो बड़ी तरक्की कर गए हैं। खालू यार वैसे एक ही लाइन में हमारे मामू रिश्तेदार सारे नहीं रह रहे? माशाल्लाह माशाल्लाह यार, पूरी कटिंग करी। खालू, खालू जमी, आलू आलू आलू, खालू जमी जी भैया। ओए ये लाश निकल आई अंदर से। फैमिली को क्या हाल है? ठीक ठाक सर। अपने मालिक को बुलाएंगे। कौन सा मालिक? खालू जमीन। खालू जमीन को बुलाएं। कोई नहीं रहता है, कोई खालू जमीन नहीं रहता। ये किसका घर है? ये मेरा घर है। ओ मामू के बेटे हैं, ओ ये खालू के बेटे। अस्सलाम वालेकुम कजन, क्या पीछे हो? मेरी बात सुने, हम लोग आए 50 साल बाद, लड़ाई हो रही थी। तो आप लगते नहीं है। कौन है ये? पता नहीं कोई पागल। मम्मी आ गई, मामी आ गई। अस्सलाम वालेकुम मामी, कैसी हैं आप? मामी कैसी हैं? मामू की तरह भी मामू चले गए। कोई तारिक नामी शख्स रहता नहीं है तो उसने मरना कैसे? मेरी बात सुने, मरे नहीं होंगे, जिंदा ही होंगे, आपसे पर्दा ना कर गए हो ऐसे ही। अच्छा हम लोग अफ्तारी करने के लिए आए हैं, असल में आपको पता है कि ये कौन? हम आपको जानते नहीं है तो अफ्तारी किस तरह? जी हम अपने मामू के घर आए हैं, आप हमसे किस तरह के सवाल कर रहे हैं? आप किस तरह? नाम नहीं पता होगा। तारिक मामू, तारिक यहाँ कोई बंदा रहता नहीं है। तारी तारी प्यार से कहते थे, तारी मामी मुझे आप
उनने सही नाम बताए ना। मां जी मियां साहब, मियां साहब रहते हैं इधर, पर आप उनको तारिक प्यार से नाम। मेरे तारी तारी कहते थे ना, तारी तारियां बड़ी लगाते थे, नहाते बहुत ज्यादा थे ना। नहीं नहीं नहीं, आप ही मेरी बात सुने, मामी बात सुन ले। ये आपकी बहन है, बहन है, ये बड़ी बड़ी कजन है हमारी। तुम इन्ने मतलब पत्थर दिल अद्धे सख्त दिल इंसान हो, मेरी वालदा नाल प्रॉपर तरीके नाल रिश्ता खत्म करता है भैण वाला। बहुत गलत बात है, बहुत गलत। भाई किधर घर आए हो? बहुत गलत। मामू के घर आए हैं अपने, और किथे सी भाई ना, सोरे आया मैं, अल्लाह माफ करे, कैसी गल है। और कोई देखो कोई मल्ले। नहीं 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 मामू मेरी गल सुनो, असी असल च सारियां लड़ाइयां खत्म करन आए हैं। क्यों भला? क्योंकि रमजान का महीना है। बिल्कुल। लड़ाइयां उलझना जड़ियां ने ना, वो सफाकपन खत्म कर देना चाहिए इंसान नु। ते दिलों जेड़ा मोमन है ना, मोमन साहब गल सुनो, मेरे सिस्टर ही कौन है जी? हैं मामू, आपके लिए राशन लेके आए हम लोग ना, अम्मी ने भिजवाया था, उन्होंने कहा था। नहीं नहीं, राशन लेने आए हैं अम्मी के लिए। भाई देते हैं बहनों को यार, कैसा है यार, आप इसमें राशन ले लो यार। यार ठीक है, ऐसे चले इस सर गल सुनो, ऐसे ही आए हैं मामू के घर ही आए हैं। अभी मेरा दिमाग ना खराब, 5 करोड़ किलोमीटर सफर करके आए हैं सर, ऐसी ऐसे कैसी गल्लां कर रहे हैं। अच्छा वो मामू इफ्तारी का सामान बनवा दे, और बनवा दे, वो इफ्तारी करनी है आज हमने साथ मिल के, और साथ में सुलह करनी। लेकिन मामू के घर करनी है ना, मामू के घर। दोनों बंदे मशगूल लग रहे हैं। मामू का नाम की है तजम्मुल। बस बिल्कुल ठीक है पुत्र, तजम्मुल तजम्मुल यूनिक में, यूनिक बड़ा अच्छा नाम है। हां जी हां, अम्मी ने बताया था, अम्मी प्यार ना थानू तजली तजली। मेरा नाम मुस्तफा हुसैन तारण है। पापा किधर है आपके? मेरे पापा है नहीं घर पे। किधर है पापा? खालू निकल गए, निकल कर गए खालू, खालू निकल गए। खालू गुजर गए, मना किया था नालों में छा के ना मारो। खालू मर गए, खालू इधर आए नहीं भाई। असल में बात ये है यार, हम लोग भाई सुलह करने आए हैं। सीधी साहब जो बात है, रमजान का महीना था, हमने कहा यार चलो सुलह कर लेंगे, इसी बहाने हमारी जो है हमारी इफ्तारी हो जाएगी, और हम लोग इफ्तारी के लिए आए। लड़ाई किससे होगी आपकी पहले ये यार? वो देखो ना, बड़ों की लड़ाई है, वो एक साइड में है यार। हम लोग चाह रहे हैं कि हम सलाह करें इस रमजान में, हम लोग मिलके बैठे एक दस्तरखान पे, हम लोग जो है ना इफ्तारी करें, डेली इफ्तारी आप करें, डेली करें अल्हम्दुलिल्लाह। बात की इफ्तारी आपका क्यों इधर है ही नहीं? मामू को बुला दें प्लीज आपकी। मामू यार भी कार्य का भी बंदा रहता नहीं है, जाए तो चले। वैसे ही अल्लाह 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 का खुदा खौफी के तहत करवा दें इफ्तारी। ये हट्टे कट्टे वाला इसमें राशन भर दें। मैंने आपको पहले भी कहा, हम किसी गरीब को इफ्तारी कराना चाहते हैं, राशन भर दें, हम गरीब हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी। आप तो नहीं रहे, आप लोग गरीब। कौन हम? हम न्यूजीलैंड में रहते हैं ना, वहाँ से हैं, 5-6 हजार किलोमीटर का। बेशर्मियों वाली ठीक है जी, बेशर्मियों वाली ठीक है जी। अभी आप इनको कजन कह रहे हैं? अबे कजन है यार मामी। अबे सेट कर ले पहले। अच्छा मेरी बात सुने एक मिनट, देखें मैं बताता हूँ। अम्मी को कॉल कर देते हैं, उनसे आप जो गिला शिकवा है अपना दूर कर लें, वो बड़ों की बात बड़ों में खत्म हो जाएगी। हमें आपस में तो नहीं ना लड़ना चाहिए कजन कजन को। ये देखो कजन मेरी बात सुनो, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। देखिए मम्मी, देखिए मेरी बात सुने, इतनी बड़ी हो गई है, छोटा सा छोड़ के गया था जब मैं आप मामी को मामी को आप छोड़ के गए थे छोटा सा। मामी बचपन में रोती थी, मैंने पोलियो के कतरे नहीं मिले। आपके साथ मजाक किया छोटा सा, माजद के साथ, गुस्सा नहीं करना। आप लोग टीवी पे आ रहे हैं, अगर माइंड ना करें आपकी वीडियो यूज कर ले। हाँ जी कर ले। माइंड नहीं करना, सामने कैमरा। अच्छा वो देखिए, वो सामने कैमरा लगा हुआ है, कैम ऑन है के नाम से शो है। ठीक है आपकी मेहरबानी, माइंड नहीं करना। ठीक है ताड़ी मेहरबानी है, अंदरों मामी ने बुला दियो। हाथ नहीं उठाना मामू, मैं पहले बता रहा हूं, हाथ नहीं उठाना, हाथ नहीं झुकना। ओए स्कोडी ए यार, बंदे कौन है ने? तुसी कौन हो? फाइट ही विच मामू होना साडे सर, ए मामू ने साडे सर, मामू है साडे सर, मामू ने साडे सर, मामू ने साडे, मामू है साडे, वही मामू है, मामू ने, ए मामू की, मामू है साडे, रिश्तेदार है यार, ताई हुई सी हक खान आले दा बड़ा बुरा हाल हुंदा। मामू ने साडे पाए यार, मामू छाड़ करो, मैं निकाल खत्म करो मामू, मामू ने मेरे, मामू है साडे। अच्छा एक मिनट, अच्छा एक मिनट दसने दा, अच्छा मजाक कर रहे हैं। कैमरा लगा है सामने,
ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਕੈਮਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰ ਸੋਰੀ ਸਰ ਆਪ ਰੈਂਕ ਕਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਕੈਬ ਓਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਸੇ ਸ਼ੋ ਹੈ ਖਾਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਡੇ ਖਾਲੂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਰ सॉरी भाई मजाक कर रहे हैं वो सामने कैमरा लगा है वो मजाक कर रहे हो इधर आ तू We